हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन से और एंड्रॉयड फ़ोन से टिकटॉक के लिए स्लो मोशन वीडियोस बना सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, टिकटॉक पे स्लो मोशन वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग स्लो मोशन वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में आज मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप अपने फ़ोन से स्लो मोशन वीडियोस बना सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, स्लो मोशन वीडियो बनाने के लिए आपको जिस ऐप की जरूरत पड़ेगी वो है काइन मास्टर। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे आप काइन मास्टर से अपने फ़ोन में स्लो मोशन वीडियोस बना सकते हैं टिकटॉक के लिए। अगर आप चाहें तो पावर डायरेक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आप अपने फ़ोन से स्लो मोशन वीडियोज़ बना सकते हैं। तो आज हम काइन मास्टर का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, इस ऐप को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर में आपको ये ऐप मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं, चलते हैं अपने फ़ोन में और सीखते हैं कि कैसे आप अपने फ़ोन से टिकटॉक के लिए स्लो मोशन वीडियोस बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आ गया हूँ मैं आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और अब बात करते हैं कि कैसे आप अपने टिकटॉक के लिए स्लो मोशन वीडियोस बना सकते हैं। तो दोस्तों, जिस ऐप की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो मैंने पहले आपको बता दिया कि आपको काइन मास्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप काइन मास्टर जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और आप पावर डायरेक्टर का यूज़ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं काइन मास्टर खोल लूँगा और काइन मास्टर खोलने के बाद आपको यहाँ पे ये जो बीच वाला प्लस का निशान है यहाँ पे क्लिक करना है। और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको रेशो सेलेक्ट करने को बोलेगा। तो आपने जो रेशो सेलेक्ट करनी है वो करनी है 9:16। इसमें जो आपकी दोस्तों वीडियो जो बनेगी वो बनेगी पोर्ट्रेट में, और आपको पता है जो टिकटॉक में वीडियोज़ होती हैं मैक्सिमम इसी रेशो में होती है। तो आपने ये वाला जो बीच वाला 9:16 है इसको सेलेक्ट कर लेना है। और इसको सेलेक्ट करने के बाद आप काइन मास्टर अंदर पहुंच जाएंगे, और जैसे ही आप अंदर पहुंचेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपने इधर ऊपर मीडिया पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मीडिया पे क्लिक करेंगे तो आपने अपनी फाइल सेलेक्ट कर लेनी है, जो वीडियो आपने रिकॉर्ड करके रखी होगी स्लो मोशन बनाने के लिए, तो आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही रिकॉर्ड करके रखी हुई है, तो मैं इस वीडियो को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, वीडियो सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर पहले वीडियो को ट्रिम कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, जहाँ पे मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से मैं इसे, जहाँ से शुरू हुई है वहाँ तक इसको ट्रिम कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे इसको ट्रिम कर लेता हूँ। ट्रिम करने के बाद आपको लास्ट का पॉइंट भी ट्रिम कर लेना है। जैसे हमारी वीडियो है यहाँ तक, आपको बता दूँ मैं वीडियो, ऐसी वीडियोज़ आप देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ आपने देखी होंगी ऐसे टिकटॉक पर जो काफ़ी ज़्यादा वायरल होती हैं। तो आप भी अपने टिकटॉक के लिए ऐसी वीडियोज़ बना सकते हैं। तो इसको ट्रिम कर लेना है, अपना लास्ट का पॉइंट मैं ट्रिम कर लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मेरी ये वीडियो है यहाँ तक है, तो मैं इसको यहाँ पे ट्रिम कर लेता हूँ। और ट्रिम करने के बाद वीडियो को प्ले करना है आपने। तो आप देख सकते हैं हमारी जो वीडियो इतनी सी बची हुई है। तो आपने इसको थोड़ा सा चलने देना और जब ये यहाँ पे रोक देना है, जैसे जहाँ से आपने स्लो मोशन स्टार्ट करना है थोड़ा सा इसको ऐसे चलने देंगे नॉर्मल स्पीड में, और जहाँ पे आपने स्लो मोशन स्टार्ट करना है वहाँ पे रोक के, अब जैसे मैं थोड़ा सा इसको नॉर्मल स्पीड में चढ़ने दूंगा और इधर से मैं इसको स्लो मोशन में कर दूंगा, थोड़ा सा पीछे ज़्यादा आगे हो गया। तो यहाँ से मैं इसे स्लो मोशन में कर लूँगा। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, इस पर वीडियो पे क्लिक करके इसको जो है दोस्तों स्प्लिट कर देना है, जैसे मतलब बीच से तोड़ देना है। जो इससे क्या होगा, अगर आप इसकी स्पीड ऐसे ही चेंज कर देते हो तो पूरी की पूरी जो वीडियो है दोस्तों वो पूरी की पूरी स्लो मोशन में बन जाएगी। तो आपने क्या करना है, जहाँ से आपने स्लो मोशन स्टार्ट करना है उसको वहाँ से पहले स्प्लिट कर लेना है। स्प्लिट करने के लिए आपको मैं बता दूँ, वीडियो पे क्लिक करना है। वीडियो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये जो सीजर का ऑप्शन आ रहा है, कैंची का जो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे भी तीसरे नंबर पे ऑप्शन आ रहा है स्प्लिट एट प्ले अहेड, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे जो आपकी वीडियो है वो दो भागों में बंट जाएगी। तो आप देख सकते हैं पहला जो पार्ट है वो नॉर्मल ऐसा ही रहेगा आपका, और यहाँ से जो आपको स्लो मोशन देना है तो इसके लिए आपको वीडियो पे क्लिक करना है जहाँ से आपको स्लो मोशन देना है, जो पार्ट आपने स्प्लिट किया हुआ है उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्पीड का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो ये जो स्पीड है आप
फिर यहाँ से जो है एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको आगे की तरफ ले जाएंगे राइट हैंड साइड की तरफ तो वीडियो की स्पीड बढ़ जाएगी। अगर आप पहले कम फिर ज़्यादा स्पीड करना चाहते हो, फिर से कम करना चाहते हो, तो आप इस ऐसा भी कर सकते हो। तब आपको वीडियो को स्प्लिट करना पड़ेगा, मतलब दो तीन भागों में तोड़ना पड़ेगा इसको, तभी हो पाएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे, अभी हम स्लो मोशन के लिए बात कर रहे हैं, तो आपने इसका स्पीड जो है वो कम कर देनी है। तो हमको पीछे की तरफ चलना है, जैसे 0.5 की तरफ हमें जाना है। तो आप मैक्सिमम तक इसको लेके जाएंगे, तो जैसे आप देख सकते हैं मैं इसको मैक्सिमम तक लेके गया हूँ। और इसको करने के बाद आपको इसको सेलेक्ट कर देना है, सेव कर देना है। तो अब हम वीडियो को प्ले करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो वीडियो है वो स्लो मोशन में हो चुका है। जो पहले का जो पार्ट था वो नॉर्मल स्पीड में है, और जहाँ पे हमने स्प्लिट किया था उसके बाद जो स्पीड है वो इसकी कम हो चुकी है, ये वीडियो स्लो मोशन में चल रही है। इसके बाद दोस्तों आपको अपनी वीडियो को सेव कर लेना है। सेव करने के लिए दोस्तों आप लेफ्ट साइड में देखेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये जो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों अपनी वीडियो को यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो वीडियो है दोस्तों वो गैलरी में सेव हो जाएगी, और आप उसे फिर टिकटॉक में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं भी आपको बता देता हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी जो है वीडियो सेव हो चुकी है, और अभी मैं आपको प्ले करके बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है हमारी वीडियो बन चुकी है, और आप देख सकते हैं पूरी स्लो मोशन में। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियोस की, कैसे आप अपने स्मार्टफोन से टिकटॉक के लिए स्लो मोशन वीडियोस बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप सीख गए होंगे कि कैसे आप अपने फ़ोन से टिकटॉक के लिए स्लो मोशन वीडियोस बना सकते हैं आसानी से, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और दोस्तों ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों हमारे चैनल पर यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स की वीडियोज भी आपको मिलती रहती हैं, तो दोस्तों चैनल पर बने रहें और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।